बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्यूटोरियल जॉब्स अपडेट पर आप लोगों को वेलकम करता हूं। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि ISI में इस टाइम बड़ी भर्ती चल रही है, तो इस हवाले से इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि तो दोस्तों इस वीडियो में अहम तरीन मालूमात दूंगा कि क्या इनका फिजिकल होता है, टेस्ट का पेपर पैटर्न किस तरह होता है, पिछली दफा जो टेस्ट हुआ था उसका क्या हिसाब किताब हुआ था, स्क्रीनिंग टेस्ट के क्या शेड्यूल होता है और कितने माह बाद आप लोगों के टेस्ट होंगे, और सबसे अहम तरीन मालूमात ये भी होगी कि आप लोग एक चलान पर कितनी सीटों पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो मुकम्मल देखनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि लेटेस्ट ज्यादा अपडेट रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। तो सबसे पहली मालूमात आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, तो दोस्तों यहां पर उम्र की रियायत दी जाती है, आप लोग जिस भी सीट पर अप्लाई करोगे उसमें एज रिलैक्सेशन शामिल है। मजीद आप लोग बता दूं, आप अगर आप लोग दो सीटों पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों को एक चीज इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आप लोग गौर से देखो इन सीटों पर ग्रुप बने हुए हैं तो आप लोग एक ग्रुप में दो सीटों पर अप्लाई कर सकते हो एक चलान पर, मतलब आप लोगों ने एक चलान भरना है उस पर दो सीटों पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग बता दूं, अगर आप लोग एक चलान पर दो सीटों पर अप्लाई करोगे तो सेम ग्रुप में ही अप्लाई करोगे, अगर दूसरे ग्रुप में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो फिर अलग से चलान आप लोगों को लेना पड़ेगा। यह मालूमात है जिसका शायद आप लोगों को पता ही ना हो। और मजीद आप लोगों को बता दूं, इसका टेस्ट का हिसाब किताब यह होगा कि पहले आप लोगों का होगा रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट को जो क्लियर कर लेंगे इसके बाद कुछ इसमें सीटें ऐसी भी हैं जैसे कि क्लरिकल स्टाफ हो गया और डिस्पैच राइडर हो गए और कुछ जैसे कि ड्राइवर होंगे, इनका तो पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट क्लियर कर जाओगे फिर आप लोगों का होगा जो ड्राइवर है उनका ड्राइविंग टेस्ट होगा, जो क्लरिकल स्टाफ पर अप्लाई करें उनका टाइपिंग टेस्ट होगा या इस हवाले से टेस्ट होगा। ठीक है, जो लोग ये भी क्लियर कर जाएंगे उसके बाद तीसरे नंबर पर आप लोगों का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि साइकोलॉजी जिसे टेस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिकल पेपर होता है वो आप लोगों से लिया जाएगा, उसको पास कर जाओगे फिर आप लोगों की मेरिट लगेगी, उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। तो ये अप्लाई करने का हिसाब किताब था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। इसके बाद आप लोगों से अहम तरीन मालूमात आखिर में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों इंशाल्लाह कल इस पर एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह जो पिछली दफा ये सीटें आई थी तो उसके पिछले इनके पास पेपर मेरे पास आ गए, उन पास पेपर को अगर आप लोग देख लो तो आप लोग इस दफा अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतर सकते हो। तो हर बार मैं यही कहता रहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाजमी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी मालूमात आप लोगों को और कहीं से नहीं मिलने वाली। दोस्तों इस पर ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन अप्लाई पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है और चलान भी आप लोगों ने भरना होगा। तो जो ऑनलाइन अप्लाई पर मैंने वीडियो बनाई है उसमें चलान वाला